मास्टर जी मुझे इस कपड़े का गाउन बनवाना है, एक अच्छे से डिजाइन का गाउन बना दो अब इसका। जी बन जाएगा। मास्टर जी नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। अरे मुझे ना इस कपड़े में से लहंगा सिलवाना था। मैडम कपड़ा तो बहुत अच्छा है, इससे ना बहुत हैवी लहंगा बनेगा। मास्टर जी पहले मैं आई हूँ ना, मेरा कपड़ा देखो पहले, इसका गाउन बनाना है। अरे मैं मास्टर जी की पुरानी ग्राहक हूँ, पहले मेरा काम करके देंगे ये? हाँ तो पुरानी ग्राहक है तो क्या हो गया, पहले मैं आई हूँ ना, पहले मेरा काम करना है मास्टर जी, इसका गाउन बनाना है। अब मैं डिजाइन बता रही हूँ, आप लिखो। मास्टर जी मैं आपकी पुरानी ग्राहक हूँ, मेरा काम पहले करके दो, इसे तो बाद में करना है काम। अरे पुरानी ग्राहक हो तो क्या हो गया, पैसे तो मैं भी दे रही हूँ ना। मास्टर जी देखो इसके गले पे मटके वाला डिजाइन बनाना है, ठीक है? मटके वाला डिजाइन? अरे ये तो मैं घर से सोच के आई थी कि मैं अपने लहंगे के ब्लाउज मटके वाले डिजाइन में सिलवाऊंगी, तूने मेरा डिजाइन चुरा लिया। मैंने तुम्हारा डिजाइन चुराया? पागल हो क्या? पहले मैं आई हूँ ना, मैंने बताया इनको। मास्टर जी आप मेरे गाउन पे ये वाला डिजाइन बनाना, मटके वाला। आप दोनों चिंता मत करो, मैं दोनों का सेम डिजाइन बना दूंगा, पर मेरी दुकान में ना लड़ाई मत करो। नहीं मुझे मटके वाला डिजाइन नहीं बनवाना। मास्टर जी कोई और डिजाइन दिखाओ। हाँ तो मुझे भी नहीं बनवाना मास्टर जी, मुझे भी कोई और ही डिजाइन दिखाओ। एक काम करना, आप मेरे बाजू ना इतनी रखना और उसमें ना टेसल लगा देना और ना यहाँ पे कट लगा देना, जो आजकल चल रहा है ना दिल वाला, वो बनाना। ये वाला डिजाइन मैं बताने वाली थी। बताने वाली थी ना, बताया तो नहीं ना? बताया तो मैंने ना, मेरे बाजू में वही डिजाइन बनाना। आप मास्टर जी आप इसकी बात मत सुनो, आप सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है? मेरा ना सारा मूड खराब हो गया है, मुझे आपसे कपड़े ही नहीं सिलवाने। सकीना चल। अरे मुझे भी कोई कपड़े नहीं सिलवाने आपसे, जाओ। रुको, कहाँ जा रहे हो आप? वो भी बिना काम करवाए? जब तुम्हारा काम हो गया जिसको तुम करने आए थे। काम हो गया? हम क्या काम करने आए थे, हम तो कपड़े सिलवाने आए थे, अब हमारा मूड नहीं है बस। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं, ये चोर है, इसने यहाँ चोरी करी है। अरे तुम मेरे दोस्त पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मेरी दोस्त बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है। चोरी नहीं कर सकती, मैं इसकी तलाशी ले रहा हूँ। नहीं मैं अपनी दोस्त की कोई तलाशी नहीं लेने दूंगी। और तुम लोग आदमी हो, एक आदमी हो के तुम किसी लड़की की तलाशी कैसे ले सकते हो? किसी लेडी को बुलाओ। अरे मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं ले लेती हूँ इसकी तलाशी। हाँ ये ठीक है, ये ले लेगी तलाशी। मिला कुछ? देखो कुछ नहीं है इसके पास, आप क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो इस पर? कुछ नहीं इसके पास, इसका मतलब तुम भी इनके साथ मिली हुई हो। मैं इनके साथ मिली हुई हूँ? ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमने कोई चोरी नहीं की है, और आपके पास क्या सबूत है इस बात का? क्या सबूत है? सबूत देखना है? ये देखो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में चलती है। ये देखो उनके गले पे मटके वाला डिजाइन बनाना है आपको, और मेरे पे भी मटके वाला गला बनाना है। अरे तुम मेरी नकल क्यों कर रही है? अरे मैं कोई तेरी नकल वकल नहीं कर रही। मास्टर जी आप मेरी बात सुनो, आप ना इसकी बाजू पे मोती वाला डिजाइन बनाना है आपको। सुन भाई मेरा और दिमाग खराब, मुझे नहीं सिलवाने से कोई भी कपड़े। ओए सकीना चल, मुझे भी नहीं सिलवाने, मैं भी जा रही हूँ। अब चुपचाप वो सामान निकाल दो जो तुम लोगों ने चुराया है। अब तो हमने आपका सामान दे दिया ना, अब हम जा रहे हैं। अच्छा आपने सारा सामान दे दिया, और वो फोन? फोन? कौन सा फोन? कौन सा फोन? रुको एक मिनट। ये फोन। और हाँ मुझे तो ये लड़की भी नहीं लगती, मुंह से ये हटाओ पर्दा। ये देखो कितनी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुमने ये हरकत करी है ना, तुम्हारी इस हरकत के लिए ना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए मुझे। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं।
हम कसम खाते हैं हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे भैया, प्लीज माफ कर दो। सर गलती सबसे हो जाती है, इन्हें एक मौका और दे दो मेरे कहने से, वरना इनका जीवन खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं तुमको ना सुधरने का एक मौका और देता हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी बूटीक के आसपास ही मत दिख जाना, निकल जाओ यहाँ से।